वेलकम बैक टू लर्न एट होम, घर पर सीखो। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स्ड पिकल, जिसमें मैंने लिए है मिर्ची, नींबू, और ये लिए है मैंने लहसुन, और ये है मूली, गाजर। तो इन सब का मैं बनाने जा रही हूँ अचार। और इसको मैं पहले से अच्छे से कट कर लूँगी, मूली को और गाजर को, और लहसुन को छील लूँगी, और नींबू का रस निकाल लूँगी, और ये मिर्ची को भी थोड़ा सा कट कर लूँगी। और उसके बाद मैं अचार बनाऊँगी। हाँ तो फ्रेंड्स, देखिए ये मूली, गाजर और हरी मिर्ची को मैं तोड़ दिया है। मूली को मैंने छील के सर्कल सर्कल कट कर लिया है। गाजर थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा हार्ड होती है, तो मैंने पतले पतले पीसेस कर दिए हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। और ये लहसुन को भी मैंने छील लिया है, तो इसको भी मैं मिला देती हूँ इसी में। और ये नींबू है, उसका जूस बना के बाद में हम इसमें डालेंगे। ये जो अचार रखने जा रही हूँ, अब इसे मिला रही हूँ मैं नमक। नमक मिलाने से क्या होगा कि मैं इसमें नमक मिला रही हूँ, और नमक को मिला के हम इसको थोड़ा सा से मिक्स कर देंगे हाथ से, या फिर किसी बड़े स्पून की, ज़्यादा है तो आप ऐसे को छाल सकते हैं इसको, जिसमें नमक पूरे मिल जाएगा। और इसके इसके जो पानी है मूली का, ये मूली का पानी जो है, मूली में बहुत पानी होता है, तो ये नमक मिलाने से इसका पानी निकल जाएगा। और फिर हम इसको एक कपड़े में ड्राई कर लेंगे, ठीक है? फ्रेंड्स, देखिए ये मैंने जो अभी नमक मिला के रखा था 1 घंटे पहले, इसमें इतना पानी बन गया है। और अब इस पानी को हम निकाल देंगे, तो इसके मैं एक छन्नी की मदद से, जो हम स्टेनर के लिए यूज़ करते हैं, इससे हम इसका पानी निकाल देंगे। यदि इतना पानी अचार में रहेगा तो ये बहुत ही अचार ख़राब हो जाएगा। तो हमने इसका पानी निकाल दिया है, और हम ये जो ये वाला पार्ट है, इसको जाके धूप में सुखाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, देखिए इसका पानी निकालने के बाद हम इसको थोड़ा सा धूप में फैला देंगे 1-2 घंटे के लिए, जिससे कि ये पूरा सूख जाएगा। और जब ये सूखने के बाद फिर हम इसको मसाला मिलाएंगे। देखिए ये जो मूली है, गाजर है, मिर्ची है, ये इसमें गार्लिक है, ये सब सुखा लिया है मैंने, और सूखने के बाद इतना बचा है। और ये मैंने निकाल लिया लेमन का जूस, और ये है अचार का मसाला, और ये है सरसों का तेल। सरसों का तेल जो होता है अचार के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और ये सरसों कच्ची घनी वाला तेल है। तो फ्रेंड्स, देखिए अब हमने इसमें गरम कढ़ाई में तेल डाल दिया है सरसों का। और जब ये थोड़ा सा तेल धुआं छोड़ने लगेगा, मतलब जब गरम हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि इसमें स्मेल रहती है, तो अच्छे से गरम होने दीजिए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अचार का मसाला। ये अचार का मसाला मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, और इसका मैंने वीडियो भी शेयर किया है आप लोगों के साथ में, उसका मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगी। तो ये मसाला को हमने तेल में अच्छे से गरम कर लिया है, और इसमें जो हमने नींबू का जूस और नमक मिला दिया है, ये देखिए, और उसके बाद हम ये पूरा मसाला इसमें अच्छे से मिला देंगे। और मिलाने के बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और उसको मिलाने के बाद में हम इसको एक रात के लिए इसी बाउल में छोड़ देंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।
और आप भी घर में इस तरीके से अचार बनाएं और बच्चों को खिलाएं, और उसकी जो फ़ोटो है वो हमारे साथ शेयर करें।